Start. Hi guys, today we will be connecting the Trueno U1000 soundbar to the Trueno U1000 subwoofer. So hamara jo first step hota hai in connecting the soundbar and subwoofer is to connect both the products to a power socket. To ek side pe hamara product jo hai hame ye package box mein milta hai jo soundbar ka power input hai. Ek side hum plug extension mein dal denge, दूसरी साइड हम डीसी इनपुट में डाल देंगे. सिमिलरली जो साउंड बार है हमारे पास, यहाँ पे एक साइड केबल होती है, वो केबल का प्लग यहाँ है जो हमने इस प्लग एक्सटेंशन में कनेक्ट कर दिया है. नाउ वंस बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड तो सबवूफर पे ब्लिंकिंग रेड लाइट आएगी. इसका मतलब है सबवूफर ऑन हो चुका है लेकिन ये साउंड बार से कनेक्टेड नहीं है. और साउंड बार पे रेड लाइट आएगी. ये रेड लाइट का ये मतलब होता है कि साउंड बार में पावर सोर्स आ रहा है लेकिन द साउंड बार इज नॉट टर्न्ड ऑन. अभी बिफोर वी गेट इनटू द पेयरिंग मोड हम ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं. साउंड बार में मल्टीपल फीचर्स होते हैं तो हम ये यूएसबी ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं अप टू 32 GB का जिसके पास स्टोरेज डेटा है. हम HDMI ARC से कनेक्ट कर सकते हैं विच मीन्स कि हम टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं साउंड बार. हम यहाँ एक ऑप्टिकल इनपुट मोड है, ये वाला ऑप्टिकल इनपुट मोड हम कनेक्ट कर सकते हैं साउंड बार. को एक्सियल मोड है और AUX या 3.5 mm की जो ऑक्स केबल होती है वो मोड है. सो साउंड बार कैन टर्न टू ऑल मोड्स. नाउ हमें पैकेज बॉक्स में एक रिमोट कंट्रोल भी आता है. इस रिमोट कंट्रोल में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जैसे ट्रेबल बढ़ाना या कम करना है विच इज इंक्रीजिंग ट्रेबल और डिक्रीजिंग ट्रेबल, इंक्रीजिंग बेस और डिक्रीजिंग बेस. यहाँ पे वॉल्यूम डाउन एंड अप का एरो है. यहाँ पे नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक का एरो है. यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन है. एंड यहाँ पे मल्टीपल हमारे मोड्स आ जाते हैं तो हमने मेंशन करे थे जैसे AUX मोड, ऑप्टिकल मोड, HDMI मोड, USB मोड, BT मोड. फिर यहाँ एक EQ का बटन भी होता है. तो इस साउंड बार में 3 इक्वलाइजर मोड्स होते हैं. जो EQ1 होता है वो होता है टू प्ले म्यूजिक, सो दैट्स अ म्यूजिक इक्वलाइजर मोड. सेकेंड जो हमारा मोड होता है वो होता है मूवी मोड. सो ये EQ2 मतलब या इक्वलाइजर 2 मतलब मूवी मोड पे हम स्विच कर सकते हैं. तो ये बेस्ट होता है जब हम टीवी से कनेक्ट करते हैं. और लास्ट मोड होता है हमारा न्यूज मोड. तो EQ3 मोड मतलब न्यूज मोड विच मीन्स अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो टाइप देख रहे हैं सो इट्स आइडियली सूटेड फॉर दैट और इफ यू वॉचिंग द न्यूज चैनल. So now we will get into connecting the soundbar and subwoofer. First step, once both our devices are switched on, is to press the on button on the remote control. या फिर soundbar पे control panel भी होता है. इस control panel पे multiple buttons होते हैं. तो यहाँ पे एक on button है, हमें ये press करना पड़ेगा to switch on the soundbar. So now I'll press the on button. Now, as soon as I press the on button, you see कि red light हट जाती है and blinking blue light आ जाती है. Blinking blue light का मतलब ये होता है कि soundbar is now in Bluetooth pairing mode. अभी जैसे ही मैंने समझाया था यहाँ पे mode buttons होते हैं या control panel पे भी soundbar के mode button होता है. So if we press that mode button, तो देखो color indicator change हो जाता है. That means it's in a different mode. सो टू कनेक्ट द साउंड बार एंड सब वूफर हमें साउंड बार को ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में डालना होता है. नाउ ब्लूटूथ पेयरिंग मोड इज आइडेंटिफाइड बाय अ ब्लिंकिंग ब्लू लाइट. सो वी हैव टू कीप प्रेसिंग मोड अंटिल हमारा ब्लिंकिंग ब्लू लाइट वाला इंडिकेटर नहीं आ जाता. एज यू कैन सी नाउ ब्लिंकिंग ब्लू लाइट आ चुका है साउंड बार पे. इसका मतलब साउंड बार इज इन ब्लूटूथ पेयरिंग मोड. ओके गाइज, नाउ आवर साउंड बार इज इन ब्लूटूथ पेयरिंग मोड एंड हमारा सब वूफर इज ब्लिंकिंग ब्लू. द नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट द साउंड बार टू द सब वूफर. टू डू दिस हमें प्ले एंड पॉज बटन दबाना होता है 10 to 15 seconds के लिए. ये प्ले एंड पॉज बटन रिमोट कंट्रोल पे भी है और साउंड बार के कंट्रोल पैनल पे भी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पेयरिंग मोड. सो आई एम नाउ प्रेसिंग द प्ले एंड पॉज बटन. एज यू कैन सी ये फ्लैशिंग रेड से अब सॉलिड रेड हो चुका है. इसका मतलब ये है द साउंड बार एंड सबवूफर आर कनेक्टेड. एक और चीज यू माइट नोटिस, जैसे ही कनेक्ट हुआ एक वॉइस क्यू आया या वॉइस प्रॉम्प्ट आया.
This voice prompt means that the soundbar and subwoofer are connected. Now the next step for us is to play some music to show how they both work. So abhi ye Bluetooth mode pe hai. I can even change the mode as I had mentioned through the remote control or the control panel. तो मैं वापस इसको ब्लूटूथ मोड पे ले आऊंगा जैसे यहां पे एंड नाउ वी विल कनेक्ट द मोबाइल डिवाइस एंड प्ले सम म्यूजिक. सो इवन ऑन द मोबाइल डिवाइस डिवाइस का नेम जो होगा विल बी ट्रूएनो यू 1000. सो उस ब्लूटूथ डिवाइस से हमें मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है. नाउ दैट आई हैव कनेक्टेड माय फोन आई एम गोइंग टू प्ले सम म्यूजिक. अगलावा मजबूरी नू आन जान की पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी तेजावा मैं. So guys, as you see, we have connected the soundbar and subwoofer successfully and thank you.